मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में पर्टिकुलरली जितना पढ़ा है या डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, आफ्टर लाइक 5 to 10 ईयर्स मेरे को शेल्फ लाइफ ऐसे लगती है ऑफ एन आर्टिस्ट जो उनके दिमाग में खुद होती है, जिसके बाद वो बोर हो जाते हैं कॉन्सर्ट्स करके, एंड दे काइंड ऑफ रिटायर एंड दे काइंड ऑफ स्टॉप डूइंग इट एंड दे काइंड ऑफ लाइक पूरा ही मन उठ जाता है एकदम से, लोग छोड़ क्यों देते हैं ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. सब आर्टिस्ट का मुझे लगता है अलग रीजन होगा. ज्यादातर बर्नआउट हो जाता है कि अब जैसे आपने समझो फेमस होने से पहले 5-10 साल लगाए और आपको उस प्रोसेस में एक नया कुछ मिल गया, यू नो कि ये मेरा साउंड है, ऐसा किसी के पास नहीं है साउंड, ये मेरा अकेले का है, यू नो. तो फिर आप उस फॉर्मूला को यूज करके अपना म्यूजिक बनाना शुरू करते हो, वो म्यूजिक आपका लोग कंज्यूम करते हैं, उनको पसंद आने लगता है, आप हिट हो जाते हो. फिर आप बड़े बड़े फेस्टिवल्स हेडलाइन करने लगते हो, आपका म्यूजिक सब जगह पे बजने लगता है, पिक्चरों में भी चला जाता है. बट यू कम्प्लीटली फॉरगेट दैट यू इन्वेस्टेड अबाउट 5 to 10 years ऑफ योर लाइफ True. फाइंडिंग अ साउंड. नाउ दैट साउंड इज यूज्ड, सैचुरेटेड एंड इट्स गॉन. Now you need another 5-10 years to be able to come up with a new one. You're struggling, you're burning yourself out. There is literally no time for yourself healing, for yourself awareness, for you to consume new music and feel inspired to have great conversations with True, like-minded people true. who sub it's disappeared. There is nothing left now. तो अब जो हाँ, छोटा मोटा बचा हुआ है हम वो करते हैं. फिर what happens is that now you reached such a high level that you don't want to fail. अब तो मेरे को हिट ही चाहिए कुछ भी हो जाए, you know? अब हिट हम मैं लाऊं कहां से? अब मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ, you know? तो फिर हम क्या करते हैं, हम आउटसोर्स करना शुरू करते हैं. इसलिए आप देखो कि जितने हाँ भी बड़े बड़े डीजेस हैं ना, उन सबकी एल्बम की विकिपीडिया के एल्बम पेज पे आप जाओगे ना, वहां पे एक गाने के नीचे 20-20 आर्टिस्ट हैं. अब आप खुद गणित करो कि इसका निवारण क्या निकलेगा. काफी सैड है लेकिन ये लाइक इट्स वेरी It सैड. is. That's why you will see that a lot of the artists, no, they don't really care. उनको ऐसा लगता है कि जब मेरा दिल करेगा तब मैं एल्बम रिलीज करूंगा. या जल्दबाजी नहीं करनी. आपको नहीं सुनना मेरा म्यूजिक तो मत सुनो.